पंचायत चुनाव की आचार संहिता का असर अब दिखने लगा है। उज्जैन कलेक्टर ने निर्वाचन के लिए जिले में नोडल अधिकारी और एआरओ नियुक्त कर दिए हैं, वहीं हथियार के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा करते ही आचार संहिता लागू कर दी है। उज्जैन जिले में आचार संहिता लागू होने के विषय में जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया के लिए जिले में एआरओ और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सभी का कार्य विभाजन भी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल विशेष परिस्थिति में ही अवकाश दिया जाएगा। कानून व्यवस्था पालन के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये पंचायत चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस दिन से घोषणा करी गई है उस दिन से आचार संहिता लागू हो गई है, और उस आचार संहिता का पालन करते हुए चाहे संपत्ति विरूपण अधिनियम हो या जो दूसरे नियम हैं वो लागू हो गए हैं। सभी जगहों पर जो एआरओ हैं और एडिशनल नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी हमारे द्वारा नियुक्ति भी कर दी गई है, जिनके द्वारा चुनाव का कार्य संपादित किया जाना है। इसके अलावा चूंकि इलेक्शन में लगभग पूरा प्रशासनिक अमला जो है हमारा वो कार्य करता है, इसीलिए छुट्टियों को भी प्रतिबंधित करते हुए बहुत विशेष परिस्थितियों में ही अलाउ करने के लिए हम लोगों ने रखा है। और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो विभिन्न निर्देश हैं, चाहे मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हो या फिर पुलिस अधिकारियों के निर्देश हों, वो प्रदान कर दिए गए हैं। और साथ साथ जो शस्त्र लाइसेंस है ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको भी फिलहाल जो है वो स्थगित कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में सभी शस्त्र लाइसेंस स्थगित कर दिए गए हैं। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।